नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लास स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी में नई भर्तियों का विज्ञापन 10 मार्च से। जी हाँ, यूपी में बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो वो आने वाली है 10 मार्च से। जी हाँ, ये जो वैकेंसी है ये है यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड की है वैकेंसी, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको रेड बटन में इस तरीके का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप इसको प्लीज़ क्लिक कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये बेल आइकन वाला बटन दिखाई देगा, इस तरीके से आप उसको भी बटन को दबा देना ताकि इससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसका जो नाम है, इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसका ये नाम है। इसके बारे में पढ़ते हैं, नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है 10 मार्च से निकालेगा। जी हाँ, इससे व्यायाम प्रशिक्षक के 42 और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 652 पदों पर भर्तियां होंगी। जी हाँ, सबसे पहला जो भर्ती होने वाली है वह 652 पदों पर होने वाली है, और आप देखिएगा पेज नंबर 12 पे। जी हाँ, अब हम पेज नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। यह 28 फरवरी की न्यूज़ है, तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यूपी में नई भर्तियों का विज्ञापन 10 मार्च से। अब मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको और अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको इसमें सब कुछ समझाऊंगा। अब भाई आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में कि 28 मार्च से शुरू होंगे ग्राम विकास अधिकारी के साक्षात्कार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 28 मार्च, यानी सिर्फ एक ही महीने का डिफरेंस है, आप अच्छे से तैयारी करते रहो। अब यहाँ पे देखो 5000 से ज़्यादा कनिष्ठ सहायकों के इंटरव्यू इसके बाद। जी हाँ, जो कि कनिष्ठ सहायकों के इंटरव्यू ले चुके थे वह 5000 से ज़्यादा थे, वो यहाँ पे रुके हुए, तो उनका इंटरव्यू भी यहाँ पे होना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं हम पहली, यहाँ से ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्तियाँ पहला 10 मार्च से निकालेगा, ठीक है। इसका जो विज्ञापन होगा वो 10 मार्च से आएगा, ठीक है। जैसे कि आप, हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया था ये पीछे से, अब आप आगे बढ़ो। इसके अलावा आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, जी हाँ, जो आप बोलते हैं वीडियो, ठीक है, वीडियो समेत पूर्व में भर्तियों के लिए हुए सभी साक्षात्कार नए सिरे से करने का फैसला किया है। जी हाँ, इस वीडियो के अलावा जो अदर वैकेंसी निकलती हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ इस बोर्ड में अमीन की, ठीक है, और इसमें जल निगम की, ठीक है, जैसे जल निगम की वैकेंसी आती हैं वो भी इसी में आती हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ, इसमें कंडक्टर की भर्ती आती हैं या आबकारी की विभाग की आती हैं, और इसमें जो आती हैं वह टेक्निकल असिस्टेंट्स की आती है, इसमें जूनियर असिस्टेंट्स की आती हैं, इसमें बहुत सारी भर्ती आती हैं वो इसी में आती हैं। जैसे कि अभी 4-5 हज़ार भर्ती उसकी पटवारी की रुकी हुई हैं, जी हाँ, वो भी इसी में आती हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पहले चरण में 694, ठीक है, पदों पर भर्ती की जाएंगी। जी हाँ, अप्रोक्सीमेट 700 मान के चलो, इनके 700 के आसपास इसका भर्ती होगी पहले में, ठीक है। पहला जो आएगा वह 10 मार्च को ही निकलेगा, ठीक है, 10 मार्च को। अब आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है, ये पढ़ो आप, ये मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के 3133 पदों के लिए 18 जनवरी 2016 को विज्ञापन निकालते हुए परीक्षा कराई गई थी। जी हाँ, जो परीक्षा कराई गई थी, सभी अध्यर्थियों को अब फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, उनके लिए अब बुलाया जाएगा, उनका अब यह है पहला मौका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला मौका 12,770 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनके साक्षात्कार नहीं हुए थे, यानी जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था, 12,770 को उनको बुलाया जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू कर 3 महीने में पूरी की जाएगी। जी हाँ, जो ये बच्चे रह गए थे, ठीक है, वीडियो वाले, ये वीडियो वाले की बात कर रहे हैं, ये जो बच्चे वीडियो वाले रह गए थे, ठीक है, उनका जो है इंटरव्यू रह गया था, कुछ का इंटरव्यू हो गया था, तो इनका अब नए सिरे से होगा,
ठीक है। अब इसके बाद कनिष्ठ सहायक के 5128 पदों के लिए नए सिरे से साक्षात्कार शुरू किया जाएगा। जी हाँ, जो 5800 वो सॉरी 5128 वैकेंसी थी उनके लिए अब जो हो इंटरव्यू दोबारा होगा। इस में 12525 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है, यानी उनका इंटरव्यू ज़रूर होना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें 9000 से अधिक के साक्षात्कार पूर्व में हुए थे, यानी उनका जो इंटरव्यू था वह पूर्व में हो गया था। यानी 9000 का तो पूरा हो गया था पहली इंटरव्यू। अब आगे लिखा हुआ है, सभी को नए सिरे से बुलाया जाएगा। जी हाँ, अब उनको सभी को नए सिरे से बुलाया जाएगा। इसके बाद शेष पदों के लिए रुके हुए जितने भी इंटरव्यू हैं उनकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको इस तरीके से वीडियो लाइक आता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।